नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। अब चने तो सबके ऑल टाइम फेवरेट होते हैं, मगर हरे चने की बात ही कुछ और होती है। और इसकी सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। यहाँ पे हमने हरे चने ले लिए हैं, ताज़े वाले, इसे बूट भी कहा जाता है। अब इसको इस तरीके से आपको छील लेना है। या बढ़िया सब्जी खानी है तो थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ेगी। उसको छील लेते हैं। देखिए इस तरीके से आप उसको दबा के फोड़ेंगे और इस तरीके से आराम से छील लेंगे। देखिए यहाँ पे हमने चनों को सारे छील लिया है और साफ़ कर लिया है। इसके अलावा कुछ सब्जियाँ हमें लगेंगी। यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ आलू है, 2 टमाटर है, 2 प्याज है और यहाँ पे 1.5 बड़े चम्मच ये पेस्ट है, जिसमें हमने 3-4 कली लहसुन ले लिए हैं, 2 हरी मिर्चें हैं और धनिया है, इसका पेस्ट बना लिया है। तो ये चीज़ें इसमें लगेंगी। देखिए हम चने को पीस लेंगे। इसको दरदरा पीसना है, बारीक बिल्कुल नहीं पीसना है। फिर थोड़ा सा पानी डालेंगे 2-3 चम्मच और यहाँ पे देखिए ये दरदरा पीस लिया है। इसमें कुछ चने जो है खड़े भी हैं, यानी साबुत भी हैं, तो बहुत बारीक करने की ज़रूरत नहीं है इसको। देखिए आलू को काट लिया है बारीक, टमाटर को बड़े पीसेस में काट लिए हैं, प्याज को चॉप कर लिया है। चलिए शुरू करते हैं। कढ़ाई में डालेंगे तेल। यहाँ पे हम सरसों का तेल ले रहे हैं। एक करछी बराबर सरसों का तेल ले लेते हैं। अब इसमें डालेंगे प्याज। प्याज को सुनहरा होने देते हैं। प्याज देखिए हल्का सुनहरा हो गया है। अब इसमें डालेंगे ये आलू। आलू को भी थोड़ा भून लेते हैं। लगभग इसको ढक करके 2 मिनट के लिए भून लेते हैं। आलू भी हल्की सॉफ्ट हो गई है, नरम हो गई है, बहुत ज़्यादा नहीं, बस इसको 3 मिनट लगे हैं। अब इसमें ये चने डाल देंगे, हरे वाले चने जो हमने दरदरे पीस लिए थे, इसको भी भून लेंगे। अब इसको यहाँ पे अच्छे से भूनना है आपको, इसमें तकरीबन 5 मिनट का टाइम लग जाएगा आपको। ये सब्जी बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही टेस्टी बनती है ये सब्जी। देखिए 5 मिनट के करीब इसको हमने भून लिया है। थोड़ा थोड़ा ऑयल भी अलग, तेल अलग होने लगा है। अब इसमें ये जो हमने मसाले पीसे थे, जिसमें अदरक, मिर्ची और हरी धनिया थी, इसको डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको भी थोड़ा भून लेंगे। देखिए 2-3 मिनट के लिए इसको भी भून लिया है। अब इसमें पाउडर मसाले डालेंगे, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर,
आधा छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, ये धनिया पाउडर 2 छोटे चम्मच, इसको भी थोड़ी देर के लिए भून लेते हैं। अब इसमें जो टमाटर बड़े बड़े पीसेस में काटे थे उसको डाल देते हैं, इसको भी मिक्स कर देते हैं। यहाँ पे हींग डाल रहे हैं, आधी छोटी चम्मच हींग, इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा इस सब्जी में। इसमें पानी डाल देंगे, 4 कप के करीब पानी डाल दिया है। इसमें नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसको ढक देंगे, ढक करके लगभग 4-5 मिनट के लिए पका लेंगे। फिर 4-5 मिनट हो गए हैं जी, चेक कर लेते हैं। आलू बढ़िया सॉफ्ट हो गई है, सब्जी बढ़िया से पक चुकी है। सब्जी निकाल लेते हैं। ये सब्जी निकाल लिया है, अब इसमें ऊपर से घी डालेंगे, देसी घी है 1 बड़ा चम्मच। घी से बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है इस सब्जी में। सब्जी बिल्कुल तैयार है, इसको चावल रोटी पराठा किसी के साथ भी खाइए। ये हरे चने की सब्जी या बूट की सब्जी बिल्कुल तैयार है। तो देखा आपने कितना आसान है इस टेस्टी सब्जी को बनाना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ऐसे ही अलग तरीके से रेसिपीज़ के लिए। और मिलते हैं दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।